2 billion doses of vaccines and also diagnostics and therapeutics. Thank you. You can put on your headphones. Honorable Minister will be addressing in the national language, Hindi, and it will be live translated into English. Namaskar. इस कार्यक्रम में फिजिकल उपस्थित डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी, होस्ट ऑफ दिस मीटिंग साइरस पुनावाला जी, माय फ्रेंड आधार पुनावाला जी, डॉक्टर आयोडे, साई प्रसाद जी, राजेंद्र सूरी जी, ऑनलाइन प्रेजेंस डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर सेठ परकले, डॉक्टर रिचर्ड हैचेट, सभी उपस्थित साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रीज लीडर्स, देवी और सज्जनों, आज का यह आयोजन इस मायने में खास हो जाता है कि यह दीपावली के ठीक पहले ही हो रहा है और भारतीय इस त्यौहार को अंधकार दूर करके प्रकाश की ओर लाने के तौर पर मानता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में निराशा रूपी जो अंधकार फैला था, उसे इस बार की दीपावली दूर करेगी और पूरी दुनिया में सकारात्मकता का एक माहौल बनेगा। आपने ध्यान दिया होगा कि इस आयोजन की शुरुआत दीप जलाकर की गई। यह हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप जलाकर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। ज्ञान और विद्या का महत्व हम सभी ने तब देखा जब पूरी दुनिया में कोविड महामारी फैली और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर इसका समाधान तलाशने की सफल कोशिश की। इस अवसर पर मैं भारत के उन वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके विकसित देशों के साथ ही कोरोना वैक्सीन विकसित करने में कामयाबी हासिल की। यह वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपने देश के वैज्ञानिकों पर विश्वास ही था कि भारत स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में कामयाब हो पाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन के तौर पर चलाया। भारत ने सिर्फ 9 महीने में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का गौरव हासिल किया। 18th महीने में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाया था। आज हमारी तकरीबन टोटल पॉपुलेशन का काउंट करें तो 70% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। भारत ने यह कामयाबी प्रधानमंत्री जी के समर्थ नेतृत्व, वैज्ञानिकों के ज्ञान, वैक्सीनेटर के परिश्रम और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की प्रतिबद्धता की वजह से हासिल किया है। सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल इवेंट्स, जाइडस कैडिला जैसी कंपनियों ने वैक्सीन के मोर्चे पर भारत सरकार की हर कदम पर मदद की है।
बीमारियों से लड़ने के मामले में वैक्सीन एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि है। बीमारियों को रोकने के लिए वैक्सीन किसी भी देश के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ टूल्स है। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन कवरेज बढ़ा है और इस वजह से हर साल लाखों जानों बचाई जा रही है। भारत ने भी वैक्सीनेशन का दायरा लगातार बढ़ाया है। हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सफलता का इस प्रमाण है। भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत बनाने का काम भी किया है। हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर में स्ट्रांग वर्कफोर्स है, इसमें हमारी आशा बहन भी है। इससे अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही है और वैक्सीन का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। दुनिया की कुल एपीआई वैक्सीन मांग के 70% की आपूर्ति डीसीवीएमएन के द्वारा की जा रही है। एपीआई वैक्सीन सप्लायर्स के अलावा डीसीवीएमएन ने रोटा वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, न्यूमोनिया, मेनिनजाइटिस और नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के वैक्सीन पर भी जोर दिया है। डीसीवीएमएन का उदय पार्टनरशिप मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, डोनर गवर्नमेंट्स, प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली रेगुलेटरी एजेंसीज और राष्ट्रीय सरकार ने प्रमुख भूमिका अदा की है। हमें वैक्सीन के मोर्चे पर और बेहतर काम करने के लिए चार बातों पर काम करना जरूरी है। फर्स्ट, नॉलेज। इसके लिए एक्टिव कोलैबोरेशन की जरूरत है। भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में काम करे संस्थाओं के साथ अलायंस करें, साथ ही इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के बीच आपसी कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में वैक्सीन को लेकर शोध और विकास पर और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी। दुनिया में जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसे भारत में लाना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी पर भी हमें ध्यान देना है। इसका बेहतरीन उदाहरण है कोविशील्ड। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड और अस्ट्राजेनिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए इसे हासिल किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका। थर्ड है सोशल। इसके तहत एफोर्डेबल और क्वालिटी वैक्सीन्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए रॉ मटेरियल्स की आपूर्ति आसानी से हो, मजबूत स्टैंडर्ड और प्रोसेस हो, क्वालिटी कंट्रोल के लिए उचित व्यवस्था हो। और फोर्थ है इकोनॉमिक। अगर उत्पादन का स्केल बढ़ाया जाएगा तो लागत कम आएगी, ये स्वाभाविक है और हम सब जानते हैं। ऐसा करने से भारत में बनी दवाइयाँ पूरी दुनिया में जा पाएगी और लोगों की सेवा कर सकेगी। मैं दुनिया भर की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर काम करने वाली फंडिंग एजेंसियों और इंडस्ट्रीज से एक साथ आने की अपील करता हूँ। आप सभी मिलकर यह सुनिश्चित करें कि महामारी के दौरान जो सबक हमें मिले उनका अध्ययन करके
ऐसी रणनीति बनाए जिससे भविष्य की ऐसी चुनौतियों का और सफलतापूर्वक सामना करने में दुनिया सक्षम बन सके। मुझे इस बात की खुशी है कि अगले 2.5 दिनों तक आप सभी लोग यही विषय पर गहन चिंतन मंथन करने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विचार मंथन से ज्ञान रूपी अमृत की कुछ बूंदे अवश्य निकलेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत की अध्यक्षता में G20 आगे भी मीनिंगफुल और रिजल्ट ओरिएंटेड कदम उठाएगा ताकि हमारा आपसी कोलैबोरेशन और मजबूत हो। यह सभी स्टेक होल्डर्स है। मेरी आप सभी से यह भी अपेक्षा है कि आप लोग सिर्फ कोविड जैसी बीमारियों के वैक्सीनेशन के बारे में ही नहीं सोचें, बल्कि रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी प्रभावित हुआ है, इसे वापस पटरी पर लाना है और इसमें हमें तेजी से प्रगति करनी होगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब हाथ की 5 उंगलियाँ मिल जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। इस तरह से अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जब सरकार, वैज्ञानिक और इंडस्ट्रीज की ताकत जुड़ जाए तो हम किसी भी स्वास्थ्य चुनौतियों का न सिर्फ सामना कर सकते हैं बल्कि उसका समाधान भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इसी आपसी सहयोग की भावना से हम सब एक साथ मिलकर आगे भी काम करते रहेंगे। हम सभी को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया को एक मानकर काम करना है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister, for your kind message to all of us in this hall.